बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम कि ज़िंदगी में आपने क्या करना है, आपका मकसद क्या है, तो आप फ़ौरन बैठ जाएं और कॉपी पेंसिल लें और आइडेंटिफाई योर MIT। सबसे पहले अपनी MIT को पहचानो। MIT क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, जो ज़िंदगी में आप सबसे अहम जो करना चाहते हैं वो उसकी एक लिस्ट बनाएं कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। और इस तरह क्या होगा, MIT को बनाने से आप अपने मकसद के ज़्यादा करीब हो जाएंगे और अपने जल्दी से अपने जो है मंजिल की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, तहकीक ने ये बात साबित की है कि जो लोग रोज़ाना MIT बनाते हैं तो दे अचीव ग्रेटर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, तो वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं, वो कामयाबी की बुलंदियों तक ज़्यादा आसानी से पहुंचते हैं। तो इसलिए हम सबको MIT बनानी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, ताकि फिर हम उसकी तरफ अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट कर दें। और दूसरे नंबर पर MIT बनाने के लिए दिन में जो सबसे बेहतर वक़्त है वो मॉर्निंग है, सुबह का, क्योंकि सुबह सुबह आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वैसे भी आप बड़े पुरसकून होते हैं, इर्द गिर्द की बहुत ज़्यादा मसरूफियत आपको नहीं होती और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से कुछ लोग क्या करते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमने कौन कौन से काम करने हैं आज के दिन में या एक महीने में या एक साल में, तो बल्कि डेली के लिहाज से भी वो एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। उससे वो प्रायोरिटीज पे रखते हैं काम को, सबसे पहले मैंने कौन सा काम करना है, मेरे लिए कौन सा काम सबसे ज़्यादा अहम है, उसको पहले नंबर पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह वो अपने तमाम कामों को एक तरतीब जो है उस पर वो दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ माहरीन कहते हैं कि जो टू डू लिस्ट बनाना है, इससे आपके ऊपर एक डिप्रेशन आ जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है आपके ऊपर कि भाई आप जब उस लिस्ट को देखते हैं तो आपकी जो खुशी है वो ज़ाया हो जाती है कि मैंने भी इतने काम करने हैं, मेरे ऊपर इतना बोझ है। तो लिहाजा वो लोग टू डू लिस्ट के हक में नहीं होते। तो जो माहरीन है वो कहते हैं टू डू लिस्ट की बजाय आप एक ऐसा करें, एक अच्छा सा कैलेंडर लें और कैलेंडर को इस्तेमाल करें, उसके ऊपर जो जो आपने काम करने हैं उसको टाइम के साथ फ्रेम कर लें कि पहले मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये काम करना है। उससे क्या होगा कि भी एक तो जो बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो लोड बन गया वो नहीं बनेगा, और दूसरा वो काम जो है वो टाइम पर होते जाएंगे और आप एक सीक्वेंस से, एक तरतीब से अपनी मंजिल के करीब तरीब पहुँचते जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा एक तरीका है, ये बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी है कि इसको इस्तेमाल करने से आप अपने जो अचीवमेंट हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपका जो मकसद है उसकी तरफ बड़ी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ प्री प्लान होगा। तो इसलिए एक अच्छा सा कैलेंडर लें और उसके ऊपर अपने जितने भी आपने काम करने हैं उनको टाइम फ्रेम के मुताबिक शेड्यूल दें। उससे क्या होगा कि आप आसानी से सब काम निपटा लेंगे। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाद में आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।